क्या हाल है? चलो जल्दी से खत्म करते हैं ग्लाइकोलिसिस, फोकस ऑफ द वीक, प्लांट फिजियोलॉजी, रेस्पिरेशन इन प्लांट, ग्लाइकोलिसिस। अभी अभी जो मैंने वीडियो डाला था उसमें पहले 5 स्टेप की बात करी थी, उससे हमने देखा था कि 1 ग्लूकोज से 2 G3P मॉलिक्यूल बन गए। तो अब जो सेकेंड हाफ ऑफ ग्लाइकोलिसिस होगा उसका रेगुलेशन बहुत आसान हो गया, और जो मैं स्टेप आपको लिखूंगा वो एक्चुअली 2 बार हो रहे होंगे। बार बार आपसे कह रहा हूं 1 ग्लूकोज से 2 G3P बनेंगे। ग्लूकोज एल्डोहेक्सोस है, G3P एल्डोट्रायोस है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। हमने ये कहा कि अब हम सेकेंड हाफ की बात कर रहे हैं, इसमें हम चाहेंगे कि हमें कुछ प्राप्ति हो। अभी तो हमने शुरू में इन्वेस्ट किया था, हम तो ATP बनाने चले थे लेकिन ATP खर्च करके आ गए, अब हमें ATP चाहिए, अदरवाइज इस मेटाबॉलिक पाथवे का फायदा क्या हुआ। सो हमने कहा कि हमारे पास इस सेकेंड हाफ के लिए ये मॉलिक्यूल है G3P, और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, और इस स्टेप में इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ा जाएगा, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ने के बाद में देखिए बेटे बड़े ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक मॉलिक्यूल बनेगा, इसे हम कहेंगे 1,3-bifosphoglycerate। सो ये जो चीज है इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, इस स्टेप को हमने कहा ये 1,3-bifosphoglycerate बनेगा। एंजाइम का नाम है G3P dehydrogenase, इस एंजाइम का नाम है G3P dehydrogenase। यहां पर इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया है। ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स में, मैं आपसे कई बार बात कर चुका हूं, जो हम खाना खाते हैं उसमें हमें एनर्जी चाहिए, खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट में एनर्जी होती है, कार्बोहाइड्रेट फैट और फैट और प्रोटीन में एनर्जी केमिकल बॉन्ड्स में होती है, और केमिकल बॉन्ड्स में एनर्जी बेटे इलेक्ट्रॉन्स में होती है। आप हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, आप प्रोटॉन को रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव करने को, इन सब चीजों को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और फिर उस इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ट्रांसफर करते हैं, और हर स्टेप पर उस ट्रांसफर की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी मदद से प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं, और उस प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट है उसके केमी ऑस्मोसिस की वजह से ATP सिंथेस फॉस्फोराइलेट कर लेता है ADP को और ATP बनाता है। यह बात हम कई बार कर चुके हैं। हमने कहा इस एंजाइम को देखिए G3P dehydrogenase, और यह चीज बनी 1,3-bifosphoglycerate। ये जो यहां पर आपने जो रिड्यूसिंग पावर क्रिएट की, सो आपने इसको रिड्यूस किया, वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो यहां जोड़ेंगे। अब हमने ये कहा कि ये जो NAD+ है इसको रिड्यूस करके आपने NADH ये बनाया बेटे, ये रिड्यूसिंग पावर है। बाद में अगर हो सका तो इसके इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेजेंगे और उनकी मदद से कुछ ATP बनाने की कोशिश करेंगे, पर ये ध्यान रखिएगा आसान काम नहीं होगा, क्योंकि ये NADH साइटोसोल में बन रहा है, ये साइटोसोल में बन रहा है। आपकी NCERT एक ये कहती है कि जो आप ये कैलकुलेट करते हैं कि क्या यील्ड होगी ATP की, ये थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, आप ये मान के चलते हैं कि इस NADH के इलेक्ट्रॉन्स को भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता और हमेशा एक ही तरह से नहीं होता। फिर समझाऊंगा आपको NCERT की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। पहले हम इस वाले स्टेप पे, ये स्टेप नंबर 6 है, इस पर अपने आप को फोकस करते हैं। ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बेटे हमने इसको कन्वर्ट किया 1,3-bifosphoglycerate में, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ा और रिड्यूसिंग पावर बना ली। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास वो पहला एंजाइम आ रहा है, अब हमारे पास पहला एंजाइम पहला स्टेप आ रहा है जिसमें हम बेटे बनाएंगे ATP, और ये बेटे कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, और ये वो स्टेप है जिस पर ATP बनता है। ADP गेट्स कन्वर्टेड इनटू ATP, दिस इज द स्टेप, ये वो पहला स्टेप है जिसमें बेटे ATP बना है। बड़े ध्यान से मेरी बात सुन लेना बेटे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना, क्योंकि ये G3P बेटे 2 मॉलिक्यूल होंगे पर ग्लूकोस। सो अगर आप ग्लूकोस से बात शुरू करेंगे तो अभी तक 1 ग्लूकोस को प्राइम करने में आपने 2 ATP
यूज किए थे, एक ग्लूकोज से दो G3P बने, दो G3P से बेटे दो 3PG बनेंगे और दो ATP बनेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यह वो स्टेप है जब आपने उधार वापस कर दिया, डेट को आपने डेट को वापस कर दिया, यह वो स्टेप है जब आप बराबर हो गए, दो इस्तेमाल हुए थे और दो ATP यहां पर ग्लूकोज बन गए। उम्मीद है यह बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। जब भी आप नेट ATP यील्ड कैलकुलेट करेंगे, डू नॉट इंक्लूड डायरेक्टली बेटे NADH। मैंने अभी आपसे कहा कि NADH का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा कि नहीं जाएगा, वो थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो एक बेसिकली थ्योरेटिकल एक्सरसाइज ही रह जाती है। सो अगर आप जिस टाइम पर नेट ATP प्रोड्यूस की बात करेंगे तो केवल इसकी बात करना, आप ये मत कहना कि एक NADH से तीन ATP बनते हैं तो सर इसको भी जोड़ लो, वो क्वेश्चन मैं आपसे अलग लैंग्वेज से पूछूंगा अगर मुझे पूछना होगा। उम्मीद है ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज्ड होते हैं कि सर नेट ATP कितने बनेंगे, दो बनेंगे एक ग्लाइकोलिसिस में, कि आठ बनेंगे, दो NADH भी तो बने, पुरानी NCERT में सर ये दिया हुआ है, पुरानी NCERT में ये दिया हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं बेटे आपकी नई NCERT में बिल्कुल क्लियर कट और सही लिखा हुआ है कि ग्लाइकोलिसिस में दो ATP बनते हैं नेट। मैं नेट की बात कर रहा हूं, नेट का मतलब होता है कितने इस्तेमाल किए, कितने बने और उसमें से निकाल दीजिए कितने इस्तेमाल किए, और केवल ATP की बात होगी क्योंकि NADH कन्वर्ट NADH के इलेक्ट्रॉन से ATP बनेगा कि नहीं बनेगा इसमें बहुत किंतु परंतु है। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई, यहां बात बिल्कुल क्लियर हो गई। मान लीजिए एग्जामिनर बिल्कुल बाहर जाता है, एग्जामिनर्स बिल्कुल बाहर जाता है NCERT से, तो क्या पूछ सकता है? देखिए, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है, आप जब अपने इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं तो उनके स्टडी मटेरियल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, चलिए वो भी समझा देता हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम देख लेते हैं तो समझ नहीं आता इसका कहना क्या चाह रहे हैं, पढ़ के तो एक बार बता दीजिएगा। होता क्या है कि एक और आयन है, इसे कहते हैं आर्सेनेट। सो जो आर्सेनेट है, आर्सेनिक का आयन है, इसके ऊपर बेटे -3 ये चार्ज होता है, और ये जो है इससे बेटे रिएक्ट करके और सीधा क्या बना सकता है बेटे 3PG। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दे रहे हैं वो हाइड्रोजन फॉस्फेट की फॉर्म में दिया जाता है, इस फॉर्म में दिया जाता है, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आर्सेनेट भी इसके साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, ये बात कहना चाह रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट्स के मैनुअल में। और यहां पर प्रॉब्लम क्या होगी कि ये सीधा 3PG बनेगा, सीधा 3PG बनेगा, रिएक्शन तो आगे जाएगा बेटे, रिएक्शन रुक नहीं रहा, आर्सेनेट रोक नहीं देगा, लेकिन ये स्टेप बाईपास हो जाएगा, और अगर ये स्टेप बाईपास हो गया तो आपको पता है बेटे ये ATP नहीं बनेगा, और ये ATP नहीं बनेगा इमीडिएटली आप ये समझ लीजिए कि अब आगे जो ATP बनेंगे वो केवल दो बनेंगे और पहले पांच में आप दो इस्तेमाल कर चुके हैं, फायदा कुछ हुआ नहीं। इसीलिए हम आर्सेनेट को अनकपलर कहते हैं ग्लाइकोलिसिस का। ये वो क्वेश्चन है जो आप में से बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे हैं, उम्मीद मुझे ज्यादा है नहीं कि ये नीट में पूछा जाएगा, लेकिन शायद आपको ये बात अपनी क्लैरिफाई हो गई होगी कि क्यों आर्सेनेट के बारे में ऐसी बात की जाती है। सो हमने कहा कि ये 3PG बन गया, अब ये जो 3PG है बेटे इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगा और मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होकर के 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा और 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनने के बाद में एक और मॉलिक्यूल बनेगा, ये 3 कार्बन के हैं बेटे, इसे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कहा जाता है। सो इसको हमने क्या कहा बेटे, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। सो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। सो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के बारे में याद रखिए, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। सो दिस इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, क्या आपको याद है? ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है बेटे, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना शुरू कर दे पेपकेस के टाइम पर, अगर कोई एक एंजाइम याद कीजिए पेपकेस याद कीजिए, C3C4 फोटोसिंथेसिस याद करने की कोशिश करिए, क्रांस एनाटॉमी याद करने की कोशिश करिए, एक एंजाइम पेपकेस, और क्या आपको याद आ रहा है ये वाला मॉलिक्यूल 3 कार्बन का, और क्या आपको याद आ रहा है कि यहां से 4 कार्बन के ऑर्गेनिक एसिड भी बनाए जा सकते हैं? सो यहां से बेटे एक और रास्ता बन सकता है जिससे आप 4 कार्बन के ऑर्गेनिक एसिड बना सकते हैं, और वो ऑर्गेनिक एसिड कौन सा होगा बेटे, क्या आपको याद आ रहा है? उसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड, और उस ऑक्सैलिक एसिड से बेटे आप मैलेट बना सकते हैं, मैलिक एसिड भी बना सकते हैं। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये केवल कैटाबॉलिक पाथवे नहीं है, हमें पता है कि रेस्पिरेटरी पाथवे बेटे एम्फीबॉलिक भी हो सकता है, ये हमारी NCERT में बार-बार एम्फसाइज किया जा रहा है, और अब हम क्योंकि इतना तैयार है तो हमें पता चल गया कि ये वही फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है
जो मैं पढ़ के आया हूं, इसमें अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलेट किया तो 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड बनाया जा सकता है। और फाइनली बेटे फिर पाइरूवेट काइनेज एक एंजाइम आएगा, और ये जो एंजाइम है, मैं इसी एंजाइम की बात कर रहा हूं, बीच में मुझे बहुत ज्यादा एंजाइम की जरूरत नहीं थी, और इसको मैं कन्वर्ट करूंगा बेटे पाइरूवेट में। ये पाइरूवेट भी 3 कार्बन है, 2 बनेंगे बेटे पाइरूवेट पर ग्लूकोस मॉलिक्यूल, इसको ध्यान रखिएगा। और यहां पर एक और एटीपी बनेगा, और क्योंकि ये स्टेप 2 बार हो रहा होगा पर ग्लूकोस, तो 2 एटीपी बन गए, यही आपकी नेट यील्ड है। ये 2 ग्लूकोस मॉलिक्यूल नेट यील्ड है। आपने इस्तेमाल कितने किए? 2। बने कितने बेटे? 4। और 4 में से 2 को माइनस किया तो हमने कहा कि जो नेट यील्ड है वो 2 एटीपी मॉलिक्यूल है। एग्जाम में आपकी एनसीईआरटी स्पेसिफिकली आपसे ये कहती है कि याद रखिएगा, व्हाइल स्टडीइंग द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्लीज नोट द स्टेप्स एट व्हिच यूटिलाइजेशन और सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन दिस केस और एनएडीएच और एच प्लस टेक्स प्लेस। एनसीईआरटी यहां पर कह के चल रही है आपको कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। याद रखिएगा कौन से स्टेप में एटीपी बन रहा है, कौन से स्टेप में एटीपी इस्तेमाल हो रहा है, कौन से स्टेप में ग्लाइकोलिसिस में आपने रिड्यूसिंग पावर बनाई है। सो एक बार मैंने कहा कि क्यों ना इसको, जब एनसीईआरटी हमसे इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो हम भी इस काम को एनसीईआरटी को थोड़ा सा इज्जत बख्शे। हमने कहा कि ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट किया, इस्तेमाल हुआ। फिर बेटे हमने फ्रक्टोज को फॉस्फोराइलेट किया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फोराइलेट किया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फोराइलेट किया, टंग ट्विस्टर हो गया है। सो बेटे यहां पर एटीपी इस्तेमाल किया, फिर 2G3P बने, 2G3P बने। अब हर चीज बेटे 2 बार हो रही है। यहां पर NADH बनाया, ये देखिए ये जगह NADH, यहां पहली बार ATP बना, यहां दूसरी बार ATP बना। 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट और पाइरूवेट 3 कार्बन का नेट जो असर आया ग्लाइकोलिसिस के एंड पर, जो ये 10 स्टेप हुए, ये जो सेकंड हाफ हुआ, इसके एंड पर 2 ट्रायोस बने, 2 ट्रायोस। ग्लूकोस में बेटे कितने कार्बन थे? 6। ट्रायोस में कितने कार्बन है? 3। यहां पर ना तो CO2 इवॉल्व हुई है, ना ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई है। ग्लाइकोलिसिस में ना तो ऑक्सीजन कहीं इस्तेमाल हुई है, आप देख लीजिए, और ना कहीं CO2 बेटे रिलीज हुई है, ना तो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है यहां पर, ना ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है। हम पढ़ रहे हैं बेटे रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज को बाद में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और उसमें से बेटे बहुत सारा क्या बनाएंगे? ATP बनाएंगे। और किसकी प्रेजेंस में बेटे? ऑक्सीजन। अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं, लेकिन ये वो पाथवे है जो पाथवे कुछ अलग है, ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहा है। यहां पर मैं पार्शियली ऑक्सीडाइज कर रहा हूं ग्लूकोज को, इस पार्शियल ऑक्सीडेशन की मदद से एटलीस्ट 2 ATP मॉलिक्यूल नेट पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहे हैं। और ऑब्वियसली NADH अगर बाद में मैं कुछ कर पाया तो यूकैरियोटिक सेल में उसका इस्तेमाल कर पाऊंगा, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में भी अगर मैं उसे किसी न किसी सिस्टम में डाल पाया तो उससे एनर्जी हार्वेस्ट कर पाऊंगा। पर फिलहाल मुझे पता है कि 2 ATP बने और एंड में क्या बना बेटे? पाइरूवेट। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अब एक बात समझिए बेटे, इस पाइरूवेट का आपकी एनसीईआरटी कहती है कि क्या मेटाबॉलिक वो होगा, फेट होगा। सो व्हाट वुड बी द मेटाबॉलिक फेट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट विल बी द मेटाबॉलिक फेट ऑफ द पाइरूवेट? सो बेसिकली बात यह है कि सेल की जरूरत क्या है। तो देखिए बेटे बड़े ध्यान से समझिए, मेटाबॉलिक फेट क्या होगा पाइरूवेट का। तो हम ये पूछ रहे हैं कि सेल की जरूरत बताइए और कैपेबिलिटी बताइए। सो हम ये कह रहे हैं कि सेल कई तरीके से इस पाइरूवेट को हैंडल कर सकता है। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं है तो वो क्या कर सकता है? फर्मेंटेशन कर सकता है। फर्मेंटेशन 2 तरह का हो सकता है, लैक्टेट और एल्कोहल, और या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है। रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, सब कुछ है, और इस टाइम पर एरोबिक रेस्पिरेशन किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि ये जो पाइरूवेट है इसका होगा क्या? सो ये जो पाइरूवेट है इसको हमने ये कहा कि मान लीजिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमने कहा कि इसको एरोबिकली ऑक्सीडाइज करेंगे और बहुत सारे एटीपी बनाएंगे। मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं है, सो हमने कहा नॉट प्रेजेंट, ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट और देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, सो हमने ये कहा कि देयर वुड बी एन एरोबिक व्हाट इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन बेसिकली। और हम ये कह रहे हैं कि ये एक एल्कोहल फर्मेंटेशन भी हो सकता है और लैक्टेट फर्मेंटेशन भी हो सकता है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर।
अगर आप क्लासिकली एक और चीज समझना चाहें, थोड़ा सा अगर मैं एनसीईआरटी के बाहर चला जाऊं, तो पाइरूवेट को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, हमें देखना यह होगा कि आखिर में वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं। अगर टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है तब उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, एरोबिक रेस्पिरेशन को मैं एक और तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। आपने पाइरूवेट को बेटे ऑक्सीडाइज किया, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाए। जब आपने इलेक्ट्रॉन हटाए तो किसी ना किसी को आखिर में दिए होंगे, और वो चीज क्या होगी? टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगी। अगर वो इनऑर्गेनिक चीज है और उस इनऑर्गेनिक चीज का नाम ऑक्सीजन है, तब हम इसको क्या कहते हैं बेटे? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर अगर आपने वो इलेक्ट्रॉन दिए किसी इनऑर्गेनिक चीज को और वो ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैस हो सकती है, तब क्लासिकली उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और अगर आपने बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज नहीं किया और पाइरूवेट को ही या इसके किसी मेटाबोलाइट को रिड्यूस किया, तब हम उसे क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। और वहां पे इलेक्ट्रॉन आखिर में किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास जाता है। सो हमने कहा इलेक्ट्रॉन निकाले, इनऑर्गेनिक चीज को दिया, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है, इनऑर्गेनिक है, इसको आपने क्या कहा? एरोबिक रेस्पिरेशन। इलेक्ट्रॉन निकाले, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनऑर्गेनिक है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, आपने कहा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इंटरनल है, कोई बाहर से नहीं आया, ऑर्गेनिक है, और आपने रिड्यूस किया इसको अल्टीमेटली, तो हमने कहा कि ये क्या है? ये फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन दो तरह का होता है, अल्कोहल और लैक्टेट फर्मेंटेशन। अब समस्या ये है कि यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सो अब हमें ये समझ में आ गया कि ये फर्मेंटेशन होता क्या है। सो अब मैं आपको एनसीईआरटी के दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर करा रहा हूं। अब क्वेश्चन ऐसे समझिए, मैंने आपसे ये कहा कि मान लीजिए मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग, बड़ा आसान होगा आपके लिए। हमने कहा आपने ग्लूकोज को तोड़ा, आपने कन्वर्ट किया इसको पाइरूवेट में, ये बात आपको समझ में आ गई। फिर आपने क्या किया कि इसको लैक्टेट में कन्वर्ट किया। ये फर्मेंटेशन ह्यूमन मसल में हुई, फॉर एग्जांपल आपकी मसल में ये प्रॉब्लम होगी, मसल में जब ऑक्सीजन की लैक होता है तब फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो गया। अब ये लैक्टिक एसिड पेन करेगा, ये टॉक्सिक है बेटे, टॉक्सिक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें नो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। बड़े ध्यान से समझिए, मैं ग्लूकोज से लैक्टेट में नो एनर्जी इज प्रोड्यूस नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पाइरूवेट को जब लैक्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, और जो चीज इकट्ठी हुई है बेटे वो टॉक्सिक है, वो नुकसान पहुंचाएगी। तीसरी चीज समझिए, अगर ह्यूमन बींग को इस बेटे लैक्टेट को इस्तेमाल करना है तो ब्लड इसको यहां से हटा करके लिवर के पास लेके जाएगा, और लिवर उससे फिर क्या बनाएगा बेटे? ग्लूकोज, और ग्लूकोज से फिर क्या बनाया जाएगा? पाइरूवेट। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अम्यूजिंग। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं भाई करा क्यों, दोबारा समझ लीजिए बेटे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पाइरूवेट बन गया था, इस पाइरूवेट को आपने किस में कन्वर्ट किया? लैक्टेट में, आपकी मसल में। क्यों किया जी? ऑक्सीजन की कमी थी, बिल्कुल ठीक बात समझ में आ गई। अब इसमें बेटे मिला क्या? एनर्जी बनी नहीं, इस स्टेप में नहीं बनी, यहां से मत कैलकुलेट करिएगा। मैंने कहा यहां से यहां कन्वर्जन में एनर्जी बनी नहीं। दूसरी चीज, एक बेटे ऐसा झंझट और पाल लिया जो कि बेटे नुकसान करेगा। तीसरी चीज, चलो अगर इसका इस्तेमाल भी करेंगे तो वापस यही बनाना है, तो ये करा क्यों? तो ये करा क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन के लिए ऐसे समझिए कि जिस टाइम पर जो पाइरूवेट है, अगर मैं सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया की बात करूं, यीस्ट में अल्कोहल फर्मेंटेशन की बात करूं, तो एक आपका एंजाइम है, वो एंजाइम इसको पहले कन्वर्ट करेगा एसिटाल्डिहाइड में। सो दिस विल बी कन्वर्टेड इंटू एसिटाल्डिहाइड। सो एसिटाल्डिहाइड में कितने कार्बन होते हैं बेटे? दो कार्बन। पाइरूवेट में कितने कार्बन है बेटे? तीन। अब आप दिमाग लगाइए, अगर पाइरूवेट को किसमें कन्वर्ट किया? एसिटाल्डिहाइड में, और एक कार्बन कहां गया? इसका मतलब यहां पर CO2 रिलीज होगी। सो यीस्ट जब फर्मेंटेशन करेगा तो उसमें हमने ये कहा कि CO2 रिलीज होगी, और इमीडिएटली मुझे पता चल गया कि रटने की जरूरत ही नहीं है, इस एंजाइम का नाम पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज होगा। सो मुझे पता है कि एंजाइम्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट दे एक्ट अपॉन। वो एंजाइम का नाम आप उस सबस्ट्रेट पर रखेंगे जिस पर वो एक्ट कर रहा है, और ये बेटे डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है, इसका नाम पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज है। हमने कहा ये एसिटाल्डिहाइड बन गया, और इसके बाद में इधर देखिए बेटे, हम यहां पर एक डीहाइड्रोजिनेस यूज करेंगे। आपने पढ़ा है आपकी एनसीईआरटी में जो पुराना चैप्टर था मिनरल न्यूट्रिशन, उसमें उन्होंने कहा था कि इस एंजाइम के बारे में पता कीजिए, इसका कोफैक्टर कौन है। सो दिस इज अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस, और ये बेटे इसको रिड्यूस करके क्या बनाएगा? इथेनॉल। क्या बनाएगा बेटे? इथेनॉल। और यहां पर बेटे, यहां पर हम क्या करेंगे कि वो जो आपने NADH बनाया था, याद करिए, उसको ऑक्सीडाइज करके रीजेनरेट करेंगे NAD+।
इसको रीजेनरेट किया जाएगा एनएडी प्लस में. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अल्कोहल फर्मेंटेशन में, यीस्ट में जो अल्कोहल फर्मेंटेशन हो रहा है, ये मॉलिक्यूल रीजेनरेट हो रहा है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस. क्यों, अभी देखेंगे, पहले ये याद रखिए. दूसरी चीज, अगर ये काम ह्यूमन बींग्स में हो रहा है तो मैंने आपसे ये कहा कि ये सीधा ही बेटे रिड्यूस हो जाएगा किस में बेटे, लैक्टेट में. और यहीं पर बेटे हमने कहा कि यहां पर बड़े ध्यान से समझिएगा बेटे, यहीं पर फिर NADH, देखिए क्योंकि इसमें भी तीन कार्बन है तो अब CO2 रिलीज नहीं होगी, लेकिन यहां पर भी क्या रीजनरेट होगा बेटे, NAD+, ये मॉलिक्यूल रीजनरेट हो रहा है दोनों प्रोसेस में, चाहे वो बेटे अल्कोहल फर्मेंटेशन हो चाहे वो लैक्टेट फर्मेंटेशन हो, दोनों में NAD+ रीजनरेट हो रहा है. अब इसकी सिग्निफिकेंस देखिए क्या है, आपकी NCERT यहां पर ये कह रही है, द रिड्यूसिंग एजेंट इज दिस व्हिच इज रीऑक्सीडाइज्ड टू NAD+ इन बोथ द प्रोसेसेस. ये समझ लीजिए बेटे assertion reason question, इसको रीऑक्सीडाइज कर दिया गया है NAD+ में दोनों प्रोसेसेस में, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई. अब इससे फायदा क्या है, मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछे कि assertion reason में इसका फायदा बताइए, सो इसका फायदा ये रहा बेटे, यहां पर ऐसे समझिए कि ये जो ATP बनेगा ग्लाइकोलिसिस में, क्योंकि देखिए बेटे ये जो पाइरूवेट है ये तो ग्लाइकोलिसिस से बना है, इस टाइम पर केवल ग्लाइकोलिसिस चल रहा है और बाद में जो ग्लाइकोलिसिस से जो पाइरूवेट है उससे या तो लैक्टेट बनाया गया है या इथेनॉल बनाया गया है. इसका मतलब अभी जो मेटाबॉलिक पाथवे आपको एनर्जी दे रहा है वो केवल ग्लाइकोलिसिस है, और ग्लाइकोलिसिस में ATP सेकंड हाफ में बनता है और इस स्टेप के बाद बनता है, इससे पहले तो ATP इस्तेमाल होता है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी, और इस स्टेप के बाद बनता है. ये वो स्टेप है जहां पर NAD+ इस्तेमाल होता है, सेल में NAD+ लिमिटेड अमाउंट में है, अगर आपने सारे NAD+ को NADH में कन्वर्ट कर दिया तो ये दो ATP भी बनना बंद हो जाएंगे. इसीलिए इस NAD+ को रीजेनरेट करना बहुत जरूरी है ताकि कम से कम ये ग्लाइकोलिसिस चलता रहे और पर ग्लूकोस मॉलिक्यूल कम से कम दो ATP जरूर बनते रहे. उम्मीद है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. यहां से जो ये लाइन है, नाउ आई थिंक दिस शुड बी नाउ एब्सोल्यूटली क्लियर, ये वाला पाथवे भी आपको क्लियर हो गया. दिस वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये पॉइंट भी बेटे बहुत आसान है. आपको पता है कि यीस्ट जब अल्कोहल फर्मेंटेशन करता है तो 13% के करीब, 12-13% के आसपास टॉक्सिक होनी शुरू हो जाती है अल्कोहल की कंसंट्रेशन यीस्ट के लिए, यीस्ट मरने लग जाता है. इसीलिए जो नेचुरली फर्मेंटेड अल्कोहलिक बिवरेजेस है, आपने माइक्रोब्स में भी पढ़ा है, उनमें जो मैक्सिमम अल्कोहल की कंसंट्रेशन है वो 12-14% हो सकती है. और अगर इस तरह की अल्कोहलिक बेवरेजेस जिसमें 30-40% होती है, विस्की, ब्रांडी, रम, इनके अंदर जब अल्कोहल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है. सो ये वाला पॉइंट यहां पर समझ में आ गया. उसके बाद में हमने ये कहा कि अब हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए पहली दो बात तो हमने कर ली कि ऑक्सीजन थी या लैक ऑफ ऑक्सीजन था, अब हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पाइरूवेट का क्या होगा. ये जो पाइरूवेट है अब किस में जाएगा बेटे, एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा. उम्मीद है आपको इन चीजों से फायदा हो रहा होगा. फटाफट अपने डाउट्स डालिए, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी लाइव सेशन में आपके साथ डिस्कस करने हैं. थैंक यू, मेरा नाम डॉक्टर NK शर्मा है. थैंक यू फॉर योर टाइम.